थिंग्स टू कैरी। सबसे पहले हम आते हैं सेफ्टी की तरफ, यानी कि ये है सोलेस का जैकेट, उसके साथ में है रेन कवर। दिस इज द रेन कवर, सोलेस के जैकेट के साथ में ही आता है। ये बॉडी के अपर पार्ट को सेव करता है। और उसके बाद आते हैं हमारे पैरों की तरफ, यानी कि ये है हमारा नीगार्ड। नीगार्ड के बाद में आगे आते हैं तो ये हमने लिया है राइडा के हैंड ग्लव्स। टोटल मेरे पास दो हैंड ग्लव्स हैं, ये नॉर्मल वाले हैं, दूसरे ये जो है ये वाटर प्रूफ रहेंगे। वाटर प्रूफ के साथ साथ ये आपको विंटर में भी बहुत काम आएंगे। एंड दिस इज अ वार्म, ये अगेन वाटर प्रूफ के साथ साथ विंटर में भी काम आएंगे। और ये है हैंड को वार्म रखने के लिए वार्मर, जो हमने डीकैथलॉन से लिए थे। उसके बाद आते हैं पैरों की तरफ, दिस इज द वाटर प्रूफ शूज, ये भी हमने डीकैथलॉन से परचेज किए थे। हमने जब लिए तब इसकी कीमत कुछ 2500 रुपये थी, अब पता नहीं क्या रेट होगी। उसके बाद आते हैं ये सो सारा सामान जिसमें हम लोड करके लेके जाएंगे, ये हमारे सैडल बैग की तरफ। ये सैडल बैग जो है वो 35 लीटर का है। टोटल दो सैडल बैग हैं, मतलब हुए 69। मैं ग्रॉस जो है वो टोटल 70 का पकड़ता हूँ, 70 लीटर्स का। उसके बाद आते हैं आगे की तरफ, ये हमने लिया है रैनोस का टैंक बैग, और सैडल बैग जो हमने लिया है वो गोल्डन राइडर्स के हैं। सो इसके बाद हम आगे आते हैं, बम को थोड़ा आराम मिले इसलिए। और दिस इज़ ग्रैंड पिस्टॉप की ये एयर कुशन सीट, बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद आते हैं एक और सेफ्टी फीचर की तरफ, ये है हमारा SMK का हेलमेट। उसके बाद आएंगे हम टॉप बॉक्स, ये मेरा टॉप बॉक्स है 45 लीटर का, बहुत सारी अच्छी से चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जहाँ पर भी हम रुकेंगे वहाँ पर नहाने धोने के लिए, बाद में फ्रेश होने के लिए ये टॉवेल है। टॉवेल के बाद हम आगे आते हैं, अगेन दिस इज द वार्मर, ये स्वेटर के जैसा काम करेगा। और ये हमारे हैं बॉडी वार्मर। बॉडी वार्मर के बाद में ये मंकी कैप। मंकी कैप हमने ऐसे ही एक लोकल ले ली थी एक मॉल में से, और उसके बाद में ये हमने डीकैथलॉन से लिए थे। ये क्या है? बालाकलावा। ये अगेन बालाकलावा, मुंह को ढकने के लिए, बाल के लिए। ये हमने जैकेट लिया था डीकैथलॉन से, ये है -5 डिग्री। और उसके बाद हम ऊपर आते हैं, एक और हमने जैकेट लिया था, ये है -10 डिग्री वाला जैकेट, वाकई में पैसा वसूल है। उसके बाद आगे आते हैं कपड़ों की तरफ, तो कपड़ों के अंदर मैंने लिया है एक बरमूडा, उसके बाद में ड्राई फिट पैंट, और ये ड्राई फिट टी शर्ट है। और उसके बाद हमने लिए हैं ये गॉगल्स जो काम देंगे। गॉगल्स जो है वो हमने लिए हैं पोलराइड के। और उसके बाद में आगे आते हैं तो ये क्या चीज़ें हैं यार, ये नैपकिन्स है। नैपकिन के बाद में ये आ गया सॉक्स। सॉक्स के पैर हमने ज़्यादा ले लिए हुए हैं, साथ ही साथ कपड़े जो हैं वो एक एक दो दो पैर ले लिए हैं, जोड़ी लिए हैं सॉरी। ये हुआ अपर। और अब आप आते हैं आगे की तरफ, ये ग्रीन कलर के पाउच में मैंने टूल किट रख दी है। टूल किट के ऊपर अगर जाते हैं तो ये पंचर किट है। पंचर किट के ऊपर ये चेन ल्यूब और चेन क्लीनर है। उसके बाद में हम आगे आते हैं तो ये हमने कुछ बंजी कोड्स एक साथ में ले लिए, पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। देन आफ्टर डिओडेंट, टॉयलेटरी, ये टॉयलेटरी, दिस इज़ अ सनस्क्रीन लोशन। उसके बाद हम आगे आते हैं वेट टिश्यू के बाद में इलेक्ट्रोल पाउडर, एनर्जल, ओआरएस के बाद में ये हमने ले ली है एक मेडिकल किट। मेडिकल के किट के बाद दिस इज ऑक्सीमीटर, GoPro, उसके साथ में 3 बैटरी है, वायर है, चार्जर है, 3 पोर्ट वाला चार्जर है। ये सब मेमोरी सेव करने के लिए हमने ली है 2 GB की हार्ड डिस्क। उसके बाद में ये है चार्जर पोर्ट जो मेरी बाइक में लगेगा। उसके बाद में बोया BYMM का माइक जो हमारे GoPro पे लगेगा। ये है चिन माउंट हेलमेट पे लगाने के लिए।
उसके बाद में उलान जी की एक लाइट है V49 थ्री इन वन का चार्जिंग पोर्ट। ऐसे बहुत सारे केबल्स हैं, मतलब मेरे ख्याल से 2-3 केबल हमने ले लिया एक्स्ट्रा। इमरजेंसी लाइट, ये लाइट जो है वो वाकई में बहुत काम की है। इसके पीछे इसका बटन है, पुश करो ऑन हो जाती है। और ये जो रोशनी है भाई साहब, इस लाइट में 3 अलग अलग मोड दिए हुए हैं। और अच्छी बात तो ये है कि ये इनबिल्ट बैटरी के साथ आती है, जैसे बैटरी डाउन हो जाएगी फिर से इसको चार्जिंग करना है, चार्जिंग करने के बाद रीयूज़ कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा सेल के पैसे नहीं खर्च करने। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद हम आगे आते हैं, दिस इज़ 2-in-1 20,000 पावर का पावर बैंक। उसके बाद में ये UFO 6 पोर्ट चार्जिंग, एक UFO और UFO के बाद में एक और चार्जिंग सॉकेट हमने लिया है, जिस टाइम पास के लिए एक छोटा सा स्पीकर, एक एक्स्ट्रा मोबाइल फोन, सेल्फी स्टिक्स, हमने करीब करीब 4 सेल्फी स्टिक्स लिए हैं। उसके बाद में हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, किशमिश, कुछ चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और एंड में ये थर्मोस, गर्म पानी ठंडे पानी के लिए। इन सब में एक और बात हम आपको बता दें, वो हम भूल गए थे, टायर इन्फ्लेटर। अगर पंचर बनाओगे तो वापस से हवा कैसे भरोगे, इसलिए टायर इन्फ्लेटर वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।